सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स का अपना फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। एक से अनंत सभी को प्राकृतिक संख्याएँ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 to infinity ऑल फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर 0, 1, 2, 3, जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है वो नंबर होल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएँ बोलते हैं। 0 से अनंत तक सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नंबर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। सभी संख्याएं संख्याओं के शून्य और घनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर को हिंदी में सम संख्याएं बोलते हैं। 2 से विभाज्य एक संख्या को एक सम संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको ऑड नंबर कहा जाता है। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और नंबर को हिंदी में विषम संख्याएं कहा जाता है। एक संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है उसे विषम संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट यह पिक्चर देख सकते हैं। ये 0 to 10 होल नंबर, 1 to 10 नेचुरल नंबर, -1 से -10 तक नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स -2 to +। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। ये जो पिक्चर लगी हुई है ये वाली, ये हैंडल से नीचे के प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। एक संख्या को एक अभाज्य संख्या कहा जाता है यदि इसके ठीक 2 कारक होते हैं, अर्थात स्वयं और 1। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। ऑल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्याएँ। सभी संख्याएँ जो अभाज्य नहीं है उसके संयुक्त संख्याएँ कहा जाता है। एक समग्र संख्या में 2 से अधिक कारक होते हैं। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नंबर। अ नंबर द सम ऑफ व्होज फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इट्सेल्फ इज इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में ये होता है जैसे कि कोई नंबर होता है उसके जितने फैक्टर होते हैं उस नंबर को छोड़कर हम उसके फैक्टर को प्लस करते हैं तो वो उसी फैक्टर के इक्वल आ जाता है, तो वो होता है परफेक्ट नंबर। जैसे हम 6 के फैक्टर देखते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। अब हम 1 + 2 + 3 + करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 वही नंबर है जो हमने नंबर माना था, तो ये हो जाएगा कि जो 6 है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। ऐसे 28 होता है। परफेक्ट नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। एक संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर को एक पूर्ण संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है को प्राइम। को प्राइम को और रिलेटिव प्राइम भी बोला जाता है। 2 नंबर्स वूज एच सी एफ इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। 2 नंबर जिनका एच सी एफ 1 होता है उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे कि पेयर हो सकते हैं 2, 3, 8 और 9। को प्राइम नंबर को हिंदी में सअभाज्य या फिर सापेक्ष अभाज्य भी कहा जाता है। 2 संख्याएं जिनका एच सी एफ 1 है उन्हें सअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम। 2 प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम के एग्जांपल है 3
फाइव एंड सेवन, इलेवन एंड थर्टीन। ट्विन प्राइम को हिंदी में भी ट्विन प्राइम ही बोला जाता है। दो अभाज्य संख्या जिनका अंत दो है उन्हें ट्विन प्राइम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कि वन बाई एट, माइनस एट बाई इलेवन, जीरो, सिक्स, फाइव, प्लस टू बाई थ्री। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी एंड क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। नंबर विच वैन एक्सप्रेस इन डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होता, उसको हम इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि अंडर रूट टू, अंडर रूट फाइव, पाई, लॉग, 0.2317। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और नॉन रिपीटिंग जो डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होती। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें दशमलव में प्रयोग किया जा सकता है, वे गैर समाप्त और गैर दोहराए जाने वाले रूप में होती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये रियल नंबर है पाई, लॉग, माइनस टू पाई। रियल अलजेब्रिक है अंडर रूट टू, नेगेटिव अंडर रूट टू। रैशनल नंबर है 1/2, नेगेटिव 2/3। इंटीजर है -1, -2, -3। नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से, रैशनल नंबर को q से, और रियल अलजेब्रिक को a r से, और रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्ट्स। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ऑल नेचुरल नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, और होल नंबर्स में आता है 0, 1, 2, 3, 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 आता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए वो होल नंबर्स नहीं होते। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। 2 हमारा एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। द फर्स्ट ओड प्राइम नंबर इज़ 3। पहली विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब नेक्स्ट आता है, वन इज़ अ यूनिक नंबर, नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट। वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो अभाज्य है और ना ही समग्र है। नेक्स्ट आता है, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे कम संयुक्त संख्या 4 है। द लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज 9। सबसे कम विषम मिश्रित संख्या 9 है। 3, 5, 7, ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो 3 कंजिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 30 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम और इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम। इसमें फर्स्ट आता है, जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। जो लाभांश होता है वो इक्वल होता है विभाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस एन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। एन की जितनी भी वैल्यू होगी एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस एन से डिविजिबल होंगे। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। एन की इवन वैल्यूज़ के लिए जो एक्स की पावर एन और ए की पावर एन है वो एक्स प्लस ए से डिवाइड होंगे। एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ एन। एन की जितनी भी ओड वैल्यूज है उसके लिए x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से डिवाइड होंगे।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिडिजिट का. यूनिडिजिट से भी ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं. नंबर एंडिंग विद 0, उसकी यूनिडिजिट 0 हो गई. जैसे कि हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 0, इसका अगर हमें यूनिडिजिट निकालनी हो, इसकी पावर 2 हो, तो इसके जो यूनिडिजिट आएगी वो 0 आएगी. अब नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर एंडिंग विद 1. 1 की यूनिडिजिट 1 ही होती है. 5 की यूनिडिजिट 5 होगी. 6 की यूनिडिजिट 6 होगी. 0, 1, 5 और 6, इन 4 नंबर की यूनिडिजिट वो सेम नंबर ही होता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर एंडिंग विद 4. अगर यूनिडिजिट ओड है तो 4 आएगा. अगर यूनिडिजिट इवन है तो 6 आएगा. नंबर एंडिंग विद 9. अगर यूनिडिजिट ओड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 5. इनके लिए हम छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, वो हम क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे इसको हम कैसे सोल्व करते हैं. एक कॉन्सेप्ट और होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, जहाँ पर हमें कारकों की कुल संख्या निकालनी पड़ती है. जैसे तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर b इंटू b की पावर q इंटू q की पावर r इक्वल टू p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1. a, b और q ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं. अब टाइम है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का. द नंबर पाई इज ए फ्रैक्शन, अ रिकरिंग डेसिमल, अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. पाई संख्या क्या है? एक भिन्न है, एक आवर्ती दशमलव है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है. तो जो हमारा पाई होता है वो हमारा होता है इरैशनल नंबर. पाई हमारा इरैशनल नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7, 8, 3, 9, 4, 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर डैश इज अ डिजिट देन डैश इज इक्वल टू. हमें इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है और ये जो स्टार मार्क दे रखा है इसकी हमें वैल्यू बतानी है. हमें सभी ओड नंबर वाली डिजिट को प्लस करना है और उसमें से माइनस करना है इवन नंबर वाली डिजिट को. अगर हमारा आंसर 0 या 11 आता है तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो पूरा 11 से डिविजिबल है. अब हम करके देखते हैं. पहले हम लेते हैं ओड प्लेस वाले डिजिट, जैसे कि 7 प्लस डैश प्लस 9 प्लस 5. अब इनको हम माइनस करेंगे 8 प्लस 3 प्लस 4 में से. अब इनको प्लस करने के बाद हमारा आता है 21 प्लस डैश, इसमें से हम माइनस करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 3 आता है हमारा 15. अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 6 प्लस डैश. अब इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारा 11 आए या तो 0 आए. 0 तो 0 लाने के लिए तो हमें नेगेटिव चाहिए, पर ऑप्शन में हमारे पास पॉजिटिव नंबर है. तो 6 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा. तो डैश की जगह पर यहाँ पर 5 आएगा, फिर ये जो नंबर है वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 11 से. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किसके विभाज्य होता है? 2nd, 3rd, 5th या 6th? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड. 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं हमारे 3, 5 एंड 7. ये एक ऐसा पेयर है जो हमारा 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है. इनका सम करने पर हमारा आता है 15. और 15 को हम डिविजिबल कर सकते हैं 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं. बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन में सेकंड है, ओनली सेकंड मतलब 3 से कर सकते हैं. पर ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड. पर हमारे पास दोनों के सेम ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट. गुणांकफल के इकाई का अंक क्या है? 81 × 82 × 83 × …89 तक. फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है डी. अब इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो आपने देखा होगा कि ये जो नंबर है वो
प्लस वन करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक डिजिट आएगी 85। अब 85 को अगर हम 82 से इंटू करेंगे तो हमारे जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 0, और अगर हम 0 को किसी से भी इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो फाइनली 0 ही रहने वाला है, तो इसका आंसर होगा 0। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72। इसका हमें इकाई का अंत बताना है। ऑप्शन है 7, 3, 2 एंड 6। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको कहा था कि जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखेंगे। अब वो ट्रिक क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें, मैंने आपको चार नंबर बताए थे जो थे 2, 3, 7 एंड 8। अब इन चारों नंबर के लिए हमें एक ही चीज़ यूज़ करनी है, अब वो क्या है वो सीखते हैं। जो हमें 7 की पावर 153 दे रखी है, पहले 7 की पावर 153 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जाएगा 3 से, तो आंसर आएगा 12, 33। फिर 8 से जाएगा तो 32। हमारे पास जो रिमाइंडर 1 बच रहा है, अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमें उसके नंबर की पावर रख देनी है। तो अब हमारे पास आ गया 2647 की पावर 1 इंटू, 1 की पावर कोई भी हो तो वो नंबर 1 ही होता है, और 7 की पावर 1 है तो नंबर आएगा 7, और 7 इंटू 1 कितना होता है 7, तो आंसर आ गया 7। अगर हमारे पास रिमाइंडर 4 आता है, तो 7 का पावर 4 करनी पड़ेगी, और जो उसकी लास्ट डिजिट होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगर 7 की पावर, अगर रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है तो 4 नंबर होने के बाद जो हमारी डिजिट होती है वो दोबारा रिपीट होना शुरू कर देती है, तो 5 जब आएगा तो उसका मतलब होगा कि 7 की पावर 1 ही है, तो हम वहाँ पर 7 की पावर 1 मतलब 7 ही लिख देंगे। अगर हमारा 6 आता है तो उसका मतलब होगा कि 7 की पावर 2 है, तो हम वहाँ पर 7 की पावर 2 49 होता है, तो 49 का यूनिट डिजिट 9 लिख देंगे। ये होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। ऑप्शन है हमारे पास 24, 27, 29 एंड 30। अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी की पावर ए इंटू पी क्यू की पावर बी इंटू आर की पावर सी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम 2 की पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 11, और इस 7 की पावर 5 को 7 की पावर 5, और 11 की पावर 2 को 11 की पावर 2। अब इनको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो नंबर का बेस सेम होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 22 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 2। अब हम इनकी पावर है उनको प्लस करेंगे, 22 प्लस 5 प्लस 2, हमारा आंसर आ रहा है 29, और जो 29 है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के पेयर बनेंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम द कोशेंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 46 फाइंड द डिविडेंड। एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो लाभांश ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 2345, बी ऑप्शन है हमारे पास 5336, सी ऑप्शन है हमारे पास 3685, डी ऑप्शन है हमारे पास 4774। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। रिमाइंडर है हमारे पास 46, इन्होंने बोला है जो हमारा डिविजर है वो कोशेंट का 10 गुना है और हमारे रिमाइंडर का 5 गुना है, तो हमारा जो डिविजर होगा वो होगा रिमाइंडर का 5 गुना, रिमाइंडर हमें दे रखा है 46, इसको इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 230।
अब उन्होंने बोला है जो क्वोशेंट है, जो डिविजर है, वो क्वोशेंट का 10 गुना है। तो हमें क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन निकालने के लिए हम 230 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 23। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कि डिविडेंड क्या होता है। अब डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर हमने निकाला था 230, इसको हम क्वोशेंट मतलब 23 से इंटू करेंगे और प्लस करेंगे 46 में, तो आंसर हमारा आएगा 5336। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 6 + 7 इज डिविजिबल बाय 8। जब 9 की पावर 6 + 7 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास 6, 9, 7 and 0। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ऊपर एक लाइन बताई थी, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब इस वाले में हम वही यूज़ करने वाले हैं, इसमें x की वैल्यू है 9 और n की वैल्यू है 6, और सेकंड वाले में a की जो वैल्यू है वो है 7। 9 की पावर 6 को माइनस 1 से करेंगे, वो जो हमेशा डिविजिबल होगा वो x माइनस a से होता है। यहाँ पर x की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 1, मतलब ये जो वैल्यू होगी वो पूरी डिविजिबल होगी 8 से। अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं कि 9 की पावर 6 माइनस 1 प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 8। हम 9 की पावर 6 प्लस 1 प्लस 8, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 की पावर 6 प्लस का 7। अब इस ये जो पूरी वैल्यू है वो हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये इससे डिविजिबल हो जाएगी तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर होगा 0। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 7 की पावर 126 इज डिविजिबल बाई 48, फाइंड द रिमाइंडर। यदि 7 की पावर 126 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, 0, 1, 5 या 7। हम 7 की पावर 126 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 × 63। अब 7 की पावर 2 होता है 49, 49 की पावर 63। अब हमने ऊपर वो जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने लाइन यूज़ की थी ना, वही वाली इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगी कि x की पावर n माइनस 1 a की पावर n इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसमें x की वैल्यू है 49 की पावर 63 माइनस 1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 126 माइनस 1, वो हमेशा डिविजिबल होगा x माइनस n से। x माइनस n करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, वो हमेशा 48 से डिविजिबल होगा। x हमारे पास है 49 और a हमारे पास है 1, तो आंसर आएगा 48। अब इन्होंने कहा कि ये जो 7 की पावर ये है, अगर इससे 48 से डिविजिबल हो जाएगी तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 1। रिमाइंडर बचेगा 1। 1 इसलिए बचा क्योंकि अगर हम 49 की पावर जो भी होगी उसको 48 से डिवाइड करेंगे तो वो 48 तो पूरा कट जाएगा, पर एक नंबर हमारा बचेगा, इसलिए जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 67 की पावर 25 - 1 मस्ट बी 0, 6, 8 एंड नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के लिए हमें 7 की पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि हम 25 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 से जाएगा 24 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 - 1, 7 की पावर 1 होती है 7 और माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो हमारे इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 6। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द 6 digit number 1k 3k 4 9 सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 33। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये NVS 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम इसे देखते हैं,
तो वो 33 से डिविजिबल होन 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 3। हमें 3 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो हम उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 के पहले हम 3 से करके देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। 1 प्लस, अगर हम k की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9, प्लस करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21। अब 21 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल हम लगाएंगे। 1 प्लस 3 प्लस 4 को हम माइनस करेंगे, के की जगह पर हमने रखा है 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 9 होता है हमारा 13। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 13। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यह आंसर आ रहा है हमारा 5, जो कि हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन अपना चेक करते हैं, जो है हमारा 9। अब इसको 9, 3 को 9 से करने के लिए 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9, 3 बार 9 है तो 27 हो गया। 27 में अब हमें 8 को प्लस करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35। अब हम नेक्स्ट करते हैं, 35 है वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन अपना चेक करते हैं, जो है हमारा 5। अब हम k की जगह पर 5 रखेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9, ये आंसर, ये हमारा इक्वल हो रहा है 27 के, 27 3 से डिविजिबल होता है। अब हम 11 को करके देखते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 9, ये आएगा हमारा 8 और ये आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 19। अब 19 को अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11, 11 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5, जो 5 है वो 5 के को रिप्लेस करेगा और वो 33 को डिविजिबल करेगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है इफ द 9 डिजिट नंबर 9386x378y इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 होल डिविजिबल बाय x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। 72 से डिवाइड हो करने के लिए हमें इस 72 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 8 इंटू 9। अब इस नंबर को हमें देखना है कि ये 8 और 9 से डिविजिबल होता है या नहीं। 8 से डिवाइड करने के लिए इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है उसको हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 9 जो 72, यहाँ पे बचेगा 6। अब यहाँ पर हम ऐसा क्या रखें कि जो ये है वो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाए, तो हमारे पास होता है 8 8 जो 64। अगर हम यहाँ पर 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारे जो y की वैल्यू है, तो हमारी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। अब हम इसको 9 से डिविजिबल करके देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर बन गया अब वो है 9386x378 और 4। 9 से डिविजिबल करने के लिए हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं या फिर यूनिट सम से भी कर सकते हैं। अब हम इसको यूनिट सम से करेंगे तो 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कटेगा, अब 8 और 3 में से ये 9 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, 7 और 2 9 हो जाएंगे तो 9 भी कट गया, अब यहाँ पे बचेगा 8 और इसमें से कटेगा 1 तो यहाँ पे बचेगा 3। अब 3 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि जो हमारी जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो x की जगह पर हम 6 रख सकते हैं तो वो 9 बन जाएगा और वो 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हमें इक्वेशन दी गई है, हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर निकालना है। x का स्क्वायर मतलब 36
प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 36 माइनस 16। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 52 डिवाइड बाय 20। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 13/5। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 30/5। ये हमारा राइट आंसर है। अब इस यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप सॉल्व कर लेना, और अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करा दूँगी। यूट्यूब इस चैनल से है मेरा, और जो टेलीग्राम है वो इस चैनल पे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।